हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में 50 जिले होने के बाद 33 से 50 जिले होने के बाद राजस्थान में जो नए जिले बने हैं उनमें प्रदेश में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले हैं, नए जिले जिनमें सर्वाधिक क्या क्या है उन जिलों की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो इस साइड यहाँ पर मैप भी बना रखा है, ठीक। तो बीच बीच में मैं आपको मैप से भी बताता रहूँगा ये ज़िला यहाँ पर है, ठीक है, और कौन से ज़िलों से ये ज़िला बना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे शुष्क स्थान व जिला। स्थान की बात करें, पहले स्थान की बात करते थे, अब जिला भी हो गया है, तो वो कौन सा है? फलोदी जिला, जो कि जोधपुर से नया जिला बना है। जोधपुर से तीन नए जिले बने हैं, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी, ठीक है। तो स्थान, पहले स्थान नाम लेते थे यहाँ पर फलोदी, ठीक है, जो कि जोधपुर ज़िले में था, लेकिन अब ये फलोदी खुद ज़िला हो गया है, जोधपुर से नया ज़िला बन गया है फलोदी। तो यहाँ पर सबसे शुष्क स्थान व ज़िला कौन सा है? फलोदी ज़िला है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर हमारा सर्वाधिक ऊन उत्पादक ज़िला। सर्वाधिक ऊन उत्पादक ज़िला कौन सा है? तो यहाँ पर जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। जोधपुर से तीन ज़िले बने हैं यहाँ पर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी और जोधपुर शहर। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक ऊन उत्पादक ज़िला कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर सर्वाधिक अखेट निषेध क्षेत्र, तो ये भी यहाँ पर जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि 50.5%, तो यहाँ पर नया ज़िला बना है खेरथल, ठीक है। क्या हो जाएगा? खेरथल, जो कि किससे बना है? अलवर से बना है, अलवर से नया ज़िला बना है खेरथल तिजारा, ठीक है। तो यहाँ पर खेरथल हो जाएगा, खेरथल तिजारा, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक वर्धस्तरीय उद्योग, सर्वाधिक वर्धस्तरीय उद्योग, तो यहाँ पर भिवाड़ी, जो कि खेरथल ज़िले में है, और खेरथल ज़िला किससे बना है? खेरथल ज़िला बना है अलवर से, ठीक है। तो यहाँ पर भिवाड़ी, खेरथल, तिजारा हो जाएगा, ठीक है। कौन से ज़िले में? खेरथल ज़िले में, जो कि अलवर से नया ज़िला बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक वर्धस्तरीय उद्योग, सर्वाधिक वर्धस्तरीय उद्योग कहाँ पर है? भिवाड़ी, खेरथल, तिजारा, जो कि अलवर से नया ज़िला बना है खेरथल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर सर्वाधिक 10 जिलों की सीमा से लगने वाला ज़िला। सर्वाधिक 10 जिलों की सीमा से लगने वाला ज़िला, तो यहाँ पर जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। तो जयपुर ग्रामीण यहाँ पर है, ये जयपुर ग्रामीण है, तो इसके चारों ओर, मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं सर्वाधिक 10 जिलों की सीमा, मतलब इसके साथ 10 जिलों की सीमा लगती है इस प्रकार से चौगर्दो, ठीक है। किसके साथ? जयपुर ग्रामीण के साथ। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है जीके का, सर्वाधिक 10 जिलों की सीमा से लगने वाला ज़िला कौन सा है? तो जयपुर ग्रामीण, ठीक है, जयपुर ग्रामीण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड ये जयपुर ग्रामीण है ऊपर की तरफ, यहाँ पर राजस्थान के मैप के अंदर यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है? जयपुर ग्रामीण। वैसे माने तो यहाँ पर चौगर्दू ही जयपुर ग्रामीण है, और सेंटर में यहाँ पर बीच में क्या है? जयपुर शहर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, और जयपुर ग्रामीण के चारों ओर 10 जिलों की सीमा लगती है। जयपुर ग्रामीण के साथ 10 जिलों की सीमा लगती है। सर्वाधिक सीमा किस जिले के साथ लगती है? तो जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जोधपुर है, तो जोधपुर से नया ज़िला बना है, यहाँ पर ये फलोदी है, और यहाँ पर ये जोधपुर ग्रामीण है, और बीच में जयपुर की तरह ही सेंटर में जोधपुर शहर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर हमारा सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक ज़िला कौन सा है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक ज़िला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो ये यहाँ पर राजस्थान के मैप में इस साइड ये जयपुर ग्रामीण है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक ज़िला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। उसके बाद अगला पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, नगर वाला ज़िला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या नगर वाला ज़िला कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नगर वाला है, ठीक है, नगर वाला ज़िला कौन सा है? तो जयपुर हो जाएगा, जयपुर शहर बोल सकते हैं, जयपुर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जयपुर ग्रामीण के अंदर सेंटर में, मतलब जो शहरी इलाका है वो जयपुर शहर है, जयपुर है। उसके बाद अगला पॉइंट है सर्वाधिक जनघनत्व, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, ठीक है, जयपुर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट थे। प्रदेश में सर्वाधिक 50 जिलों के बनने के बाद नए जिले बने हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नए जिले हैं उनके बारे में ही बताया है, और जो पहले जिले पड़ा है तो उनकी हम कल बात करने वाले हैं, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।